अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, माय नेम इज़ सफ़िया सात। आई एम वर्किंग एज अ लेक्चरर ऑफ अकाउंटिंग एट IUX। सो स्टूडेंट, आज जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं विच इज़ पार्टनरशिप प्रॉफिट एंड लॉस। देखो, लास्ट में हमने डिस्कस किया था पार्टनरशिप फॉर्मेशन, लेकिन अब हम क्या डिस्कस कर रहे हैं कि भाई फॉर्म तो हो गई है पार्टनरशिप, अब हमने क्या करना है, जो प्रॉफिट कर ये सारा बिजनेस ये पार्टनरशिप वगैरह क्यों करा, ये सब प्रॉफिट के लिए ही कर रहे हैं ना। अब जो प्रॉफिट आया उसको डिस्ट्रीब्यूट किस तरह से करना है। तो देखो, देखने में तो ये डिस्ट्रीब्यूशन बहुत आसान लग रही है, लेकिन ये डिस्ट्रीब्यूशन जब पार्टनर्स आ जाते हैं ना तो उतनी ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। तो स्टूडेंट, आज की क्लास के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस की इनकम समरी कैसे बनती है, करंट अकाउंट कैसे मेंटेन होते हैं, उसको कन्वर्ट कैसे करते हैं कैपिटल अकाउंट के अंदर। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर आप इंटरमीडिएट के स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट ये आपको मार्क्स, फुल मार्क्स दिलाने वाली है वीडियो, तो प्लीज़ इसको फोकस होके देखिएगा वीडियो को। और प्लस एक चीज़ ये कि ये आपका टॉपिक पार्ट वन का भी कवर करेगी। सो टाइम वेस्ट किए बगैर स्टूडेंट चलते हैं, लेट्स बिगिन। सो स्टूडेंट देखें, प्रॉफिट एंड लॉस जब हम डिस्कस कर रहे हैं तो इसमें हम देखें प्रॉफिट एंड लॉस की समरी देखेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस की समरी किस तरह से बनती है। देखें, जितना आसान लगता है ना कि प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना, जब हम पार्टनर देखें, अगर सोल प्रोपराइटर है, सोल प्रोपराइटर क्या था, सिंगल ऑनर है, तो उसके लिए इजी है कि हम प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना, क्योंकि एक ही ऑनर है तो डेफिनेटली ऑनर ही का प्रॉफिट होगा। सो लॉस भी जो शेयर होता है वो भी सिंपल हो जाता है। लेकिन जब पार्टनरशिप फॉर्मेशन की बात होती है या पार्टनरशिप प्रॉफिट एंड लॉस की बात होती है तो यहाँ थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन आ जाती है। कॉम्प्लिकेशन किस तरह से आती है कि डिफरेंट पार्टनर्स हैं तो उनका प्रॉफिट और लॉस भी देखना है कि किस तरह से शेयर होगा। अगर प्रॉफिट है तो किस तरह से शेयर होगा, और लॉस है तो वो किस तरह से वो लोग बेयर करेंगे, यानी उसकी शेयरिंग कैसे होगी, क्योंकि डिफरेंट पार्टनर्स में ये मसला हो जाता है जब आप डीड बनाते हैं ना। देखिए, लास्ट हमने लेक्चर में डिस्कस किया था पार्टनरशिप फॉर्मेशन, तो फॉर्मेशन में हमने डिस्कस किया था कि भाई पार्टनरशिप फॉर्म हो रही है, इनिशियल कैपिटल रिकॉर्ड किए थे, तो उस टाइम हम डिस्कस करते हैं कि पार्टनर कितना प्रॉफिट शेयर कर रहा है। लाइक उसका कैपिटल अगर ज़्यादा होगा तो डेफिनेटली एक पार्टनर कहेगा कि मुझे ज़्यादा प्रॉफिट मिलना चाहिए। अगर कोई डिफरेंट अगर अपनी जॉब परफॉर्म कर रहा होगा, लाइक अगर वो मैं आपको जॉब का बताती हूँ किस तरह से, एक पार्टनर है तो वो पार्टनर क्या कर रहा है, उसने कैपिटल तो इन्वेस्ट किया है लेकिन वो उसी फॉर्म में कोई और जॉब भी परफॉर्म कर रहा है, तो डेफिनेटली वो कोई सैलरी भी लेगा या एक्स्ट्रा कमीशन भी लेगा। तो अब प्रॉब्लम ये आती है कि यहाँ पे हमें प्रॉफिट और लॉस डिफरेंट तरह से शेयर करना होता है, तो उसकी हम डिफरेंट रिक्वायरमेंट है वो डिस्कस करते हैं। तो पहले क्वेश्चन को हम देखते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। बासित एंड अहमर फॉर्म अ पार्टनरशिप विद इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹90,000 एंड 60,000 रिस्पेक्टिवली। दो पार्टनर से मेरे बासित है और अहमर है। अहमर बासित लेकर आए ₹90,000 और अहमद ने इन्वेस्ट किए ₹60,000। द फर्म शो लॉस समरी द फर्म प्रॉफिट एंड लॉस समरी शो अ प्रॉफिट ऑफ ₹45,000 फॉर द ईयर एंडेड December 31, 2007। तो इट्स मीन क्या है, दो पार्टनर से दोनों का कैपिटल यहाँ पे गिवन है और बताया हुआ है कि लास्ट में क्या प्रॉफिट हुआ है हमें। सो गुड न्यूज़ इज डेट कि प्रॉफिट है, प्रॉफिट कितना, 45,000। अब हम देखेंगे कि यहाँ पे प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किस तरह से होगा। सो रिक्वायरमेंट देखिए, पहले क्वेश्चन को अच्छे से गो थ्रू कर लेते हैं। देखिए, फॉर्म ने क्या रिपोर्ट किया, 45,000। हमें अभी तीन चीज़ें पता चली हैं बेटा, हमने दोनों के कैपिटल्स देखे, दोनों के कैपिटल्स गिवन थे, गुड। और साथ में वो क्या बता रहा है, 45,000 हमें क्या हुआ है, 45,000 का हमें यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है। अब हम रिक्वायरमेंट देखते हैं, वो रिक्वायरमेंट में क्या कह रहे हैं। रिक्वायरमेंट क्या, डिटरमाइन द पार्टनर्स पार्टिसिपेशन इन द नेट प्रॉफिट अंडर द ईच ऑफ द। अब देखिए, फर्स्ट केस क्या है, ए रिक्वायरमेंट में मैंने क्या कहा, इफ प्रॉफिट डिवाइडेड इनटू द रेशियो ऑफ ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट। देखिए, बहुत सारे वो रिक्वायरमेंट आपको देता है, मैं बेसिक्स आपको दो यहाँ पे समझा रही हूँ ताकि इससे सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। वो हो सकता है आपको बोले इनिशियल कैपिटल, हो सकता है वो एंडिंग कैपिटल बोले, अभी वो कह रहा है रेशो कह रहे हैं ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट। ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट क्या थी, 90,000 एंड 60,000। तो हम केस ए अभी डिस्कस करते हैं, केस बी अभी डिस्कस नहीं कर रहे। इफ़ प्रॉफिट, मैं दोबारा पढ़ रही हूँ, ज़रा गौर से इसको सुनिएगा। इफ़ प्रॉफिट डिवाइडेड इनटू द रेशियो ऑफ ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट, तो ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट क्या थी, हम देखते हैं ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट इज 90,000 एंड 60,000। तो इसका रेशियो आपको पता है किस तरह से होगा, देखिए 40 40, दोनों की 6 और 9 यहाँ पर रिमेनिंग होगा, दोनों सेम टेबल किस पर आते हैं, 3 एंड 2 का यहाँ पर रेशियो होगा। अब हम चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। सबसे देखिए, ये इनकम समरी है, आपने समरी इसी फॉर्म में बनानी है, यानी ये एक पैटर्न है जिसको आपने फॉलो करना है। पैटर्न क्या है, आपने यहाँ पे जितने भी पार्टनर्स हैं उनकी, फॉर एग्जांपल यहाँ पे टू पार्टनर्स थे तो आपने 4 लाइन ड्रॉ करी,
फर्स्ट आपने पर्टिकुलर की करी जिसमें आपने चीज़ें लिखी जो भी कैपिटल था या नेट प्रॉफिट था जो भी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। सेकेंड आपने पार्टनर्स के नाम लिखे। लेट्स से अगर यहाँ पे तीन पार्टनर होते तो यहाँ पे एक कॉलम और ऐड हो जाता। तो अभी हमारे दो पार्टनर्स हैं, हम उनकी नेट इनकम समरी देखते हैं। ये आपने समरी इसी फॉर्म में बनानी है, अपने कंपनी का नेम लिखना है, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी लिखनी है फॉर द ईयर एंडेड, जो भी एंड हो रहा हो। लेट से अगर कोई एंड नहीं हो रहा तो आप ये लिख के छोड़ेंगे फॉर द पीरियड एंडेड और डैश डाल देंगे। आप स्टार्ट करते हैं। हमने सबसे पहले यहाँ पे कैपिटल बैलेंसेस लिखे 90 एंड 60 और इसको टोटल करा तो मेरा अमाउंट हो गया 150। आपने देखे मैंने यहाँ पे अंडरलाइन करी हुई, इट्स मीन हमने सिर्फ ये शो करा है, अभी इसको ना ऐड कर रहे ना लेस। तो बेटा फर्स्ट स्टेप क्या था स्टूडेंट्स, हमारा फर्स्ट स्टेप ये था कि हमने कैपिटल जो भी थे गिवन, हमने कैपिटल को टॉप पे लिखा दोनों के और दोनों को अंडरलाइन करके और टोटल में दोनों का सम अप करके। अब लेट्स से यहाँ पे तीन पार्टनर होते या चार पार्टनर होते, कॉन्सेप्ट सेम ही रहता, बस कॉलम्स ऐड हो जाते। तो अभी हमारा क्या था, सबसे पहले हमने इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी करी और यहाँ पे पार्टनर के कैपिटल्स को क्या करा स्टूडेंट्स, हमने अंडरलाइन की। तो देखिएगा हमने क्या करा है, यहाँ पे हमने 90,000 एंड 60,000 जो भी गिवन था हमने उनको टोटल करके टोटल में लिख दिया। अब नेट प्रॉफिट या नेट लॉस वो गिवन होगा हमेशा क्वेश्चन में। अभी क्या था, नेट प्रॉफिट था तो मैंने यहाँ पे देखिएगा नेक्स्ट में क्या जनरेट किया, नेट प्रॉफिट। अंडरलाइन का मतलब क्या है, इसको क्लोज कर दिया, इसको ना मैंने ऐड करा है ना लेस करा है। दो स्टेप याद करिएगा, ये सेम स्टेप आपके ऐसे ही रहेंगे। सबसे पहले जो भी कैपिटल गिवन थे आपने कैपिटल को टॉप पे लिखा कैपिटल बैलेंसेस के नाम से और आपने उसके नीचे अंडरलाइन करके उसको टोटल कर लिया, गुड। अब सेकंड स्टेप में मैंने क्या किया, अगर प्रॉफिट गिवन है तो मैंने प्रॉफिट लिखा, अगर लॉस गिवन है तो मैं क्या करूँगी, लॉस यहाँ पे रिकॉर्ड करूँगी। अब देखें केस क्या था, इफ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट बाय द ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट रेशियो, तो रेशियो हमारा क्या बना था 3:2, क्योंकि फर्स्ट पार्टनर लेकर आया था 90,000 एंड सेकेंड पार्टनर हमारा लेकर आया था 60,000, तो इसका देखिए रेशियो क्या बना 3:2। तो इट्स मीन हमने क्या करना है, 3:2 से 45 को डिवाइड करना है। देखिए थ्री, अब आपने रेशियोज तो पढ़े होंगे, नहीं पढ़े तो आप दोबारा सुने रेशियो क्या होता है। अब लेट्स से यहाँ पे एक का 3 रेशियो एक का 2 है, तो हमने क्या करना है, लेट्स से अगर मैं बात करूँ बासित की, तो बासित का रेशियो क्या था 3, तो मैं 45 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड डिवाइडेड बाय 5 करूँगी। मीन्स जो उसका रेशियो का जो उसका था 3 रेशो था उसको मैंने टोटल रेशो से डिवाइड करा तो मेरे पास बासित का प्रॉफिट शेयरिंग आ जाएगा, यानी बासित के पास कितना अमाउंट जाएगा वो अमाउंट मेरे पास आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने क्या करा है, 45 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड डिवाइड बाय 5 मैं करूँगी तो मेरे पास 27 का एक अमाउंट आ जाएगा जो बासित की कॉन्ट्रीब्यूशन है इन द प्रॉफिट जो वो शेयर कर रहा है। अब देखते हैं अहमर कितना शेयर कर रहा है, सेम अहमर को 2 मिल रहे क्योंकि अहमर का कैपिटल कम है। डेफिनेटली अगर एक पार्टनर 2 लाख इन्वेस्ट कर रहा है और एक 4 कर रहा है तो वो तो ज़्यादा प्रॉफिट मांगेगा। तो यहाँ पे सेम यही हुआ है कि अहमर ने कम इन्वेस्टमेंट किए तो अहमर को कम प्रॉफिट मिल रहा है। तो इट्स मीन यहाँ पे क्या हुआ है, 18 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड डिवाइडेड बाय 5, सो इट्स मीन सॉरी 45 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड डिवाइड बाय 5, सो हमें अहमर के 18,000 यानी अहमर का जो शेयरिंग अमाउंट है प्रॉफिट के अंदर स्टूडेंट्स हमें यहाँ पे ये पता चल जाएगा। देखिए मैं अगेन ये स्टेप्स इसलिए रिकॉल कर रही हूँ कि बिकॉज दीज आर द बेसिक्स, अगर ये बेसिक्स आपके अच्छे हो गए ना तो प्रॉफिट एंड लॉस समरी आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगी। अब जो भी वो सिनेरियो आपको दे देगा आप ईजिली इसके अंदर एक लाइन ऐड करेंगी या करेंगे आपको ईजिली आप इसका आंसर आ जाएगा। देखिए अब यहाँ पे क्या हुआ, 27 एंड 18, तो इन दोनों को मैंने ऐड करा तो 45 डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब इसको देखिएगा प्रॉफिट एंड लॉस समरी आपकी करेक्ट है या नहीं। अब आपने टोटल में क्या करा 27, क्योंकि कोई सैलरी या बोनस नहीं था, सिंपल केस था, और यहाँ पे टोटल में क्या 18। इन दोनों को जब मैं 27 और 18 को ऐड करूँगी तो मेरे पास 45 आएगा, मैं इस तरह वर्टिकल ऐड करूँगी तो 45 आएगा। तो इट्स मीन इसको आप डबल लाइन से क्लोज कर दीजिएगा, 45 आ गया तो ये मेरी एक समरी बन गई। तो इट इज़ वेरी ईजी टू मेक अ समरी ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूशन समरी, आपने सिंपल कुछ भी नहीं किया। आप देखिए केस 2 डिस्कस करते हैं, केस 1 अगर आपका आपको क्लियर हो गया है तो केस 2 आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। अब केस 2 में क्या था, इफ इंटरेस्ट एट 10% अलाउ ऑन कैपिटल्स, देखो अगर कैपिटल कोई इन्वेस्ट कर रहा है तो डेफिनेटली वो कहेगा कि मुझे कुछ इंटरेस्ट चाहिए क्योंकि कैपिटल के ऊपर कुछ इंटरेस्ट भी तो मिलता है। तो यहाँ पार्टनर ने सेकंड केस में क्या किया है, देखिएगा कितने परसेंट इंटरेस्ट किया, 10%। तो पार्टनर क्या कह रहा है, 10% ऑन कैपिटल्स, 10% हम निकालेंगे कैपिटल का इंटरेस्ट सैलरी ऑफ रुपीज़ 18,000 टू बासित, बासित को कितनी सैलरी मिल रही है 18,000 और अहमर को कितनी मिली है 12,000। अब यहाँ हो सकता था कि वो कमीशन भी ऐड कर देता, वो बोनस भी ऐड कर देता, सारी चीज़ें करता, लेकिन अभी इस केस में क्या है,
इफ इंटरेस्ट इज 10% ऑफ द कैपिटल, और हम चेक करेंगे जो सैलरीज दी है बासित और अहमर को, और उसके बाद जो बैलेंस बचेगा वो डिवाइड कर देंगे इक्वली। अभी देखते हैं, अगर बैलेंस बच रहा है तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, वरना अगर इसी में कंप्लीट हो गया है तो फिर प्रॉफिट बचेगा ही नहीं। देखिए, एक लेट्स से मैं आपको एक एग्जांपल बता दूँ, दो पार्टनर है, एक 10,000 इन्वेस्ट कर रहा है, एक का प्रॉफिट है, दोनों दो पार्टनर से मेरे पास प्रॉफिट आया 30,000 का। अब क्या मैं 15-15 दोनों को डिस्ट्रीब्यूट कर दूं? लेकिन उससे पहले मैं अपनी पार्टनरशिप डीड को देखूंगी, यानी पार्टनरशिप का जो मेरा एग्रीमेंट है स्टूडेंट्स, मैं उसमें देखूंगी क्या दोनों को इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करना है, और अगर नहीं करना है, अगर कोई पार्टनर डिफरेंट रोल प्ले कर रहा है तो डेफिनेटली वो थोड़ा सा बेनिफिट तो ज़्यादा लेगा ना। तो यहाँ पे वही हो रहा है। अब जैसे लेट्स से मेरे पास 30,000 है और एक को मुझे सैलरी देनी है, एक ज़्यादा एक्स्ट्रा काम कर रहा है, तो डेफिनेटली मेरा ए पार्टनर क्या करेगा, वो अगर एक्स्ट्रा काम कर रहा है तो वो 30 में से कुछ अमाउंट ज़्यादा लेगा। तो उसमें क्या होगा, फॉर एग्जांपल मैंने उसको 5,000 सैलरी दे दी, तो अब 5,000 तो उसको मिल गए, अब मैं डिस्ट्रीब्यूट किस में से करूँगी, 25,000 रुपीज़ से, क्योंकि वो रिमेनिंग बैलेंस था। अब 25 में से अगर दोनों इक्वल हैं तो 12,500 उसके अमाउंट में चले जाएगा, 12,500 बी को चला जाएगा। लेकिन अब हम इस देखिए, ये मैं आपको एक कॉन्सेप्ट दे रही थी कि रिमेनिंग डिस्ट्रीब्यूट किस तरह से होगा। अब मेरा केस क्या है, ए केस आपको आ गया। अब सेकंड केस क्या था मेरा, अलाउ ऑन कैपिटल 10%, सबसे पहले इंटरेस्ट निकालूंगी कैपिटल का, उसके बाद दोनों को सैलरीज दूंगी, और उसके बाद देखूंगी अगर कोई प्रॉफिट बच रहा होगा, रिमेनिंग होगा, तो वो मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगी, अदरवाइज देखते चेक करते इस क्वेश्चन को। लेट्स अब समरी देखें। समरी क्या थी, सबके कैपिटल बैलेंसेस लिखे मैंने, 96 थी, उसको अंडरलाइन कर दिया। फर्स्ट स्टेप हमने देखा था, सेकंड स्टेप भी अभी मैंने लास्ट आपको बताया था, नेट प्रॉफिट हो या नेट लॉस हो, आपने क्या करना है, आपने सिंपल उसको अंडरलाइन करके मेंशन करना है सिर्फ उसकी समरी के अंदर, मतलब उसका कोई टोटल में कोई इंपैक्ट नहीं है, बट आपने बताना है कि उसके कैपिटल ये थे, उसके प्रॉफिट या लॉसेस ये थे। अब देखिएगा, 10% मैंने ऑन कैपिटल दिया, तो डेफिनेटली इसका 90 का 10% 9,000 आया, और 60 का 10% 6,000 आया। अब दोनों को ऐड करूंगी तो 15,000 मैंने इंटरेस्ट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, टोटल के कॉलम में क्या गया, 15,000 रुपीज़। तो मेरा फर्स्ट जो पार्ट था उसका सॉल्व हो गया, बी रिक्वायरमेंट का। अब बी रिक्वायरमेंट में सैलरीज भी दे रहा है वो। अब सैलरीज को देखिएगा आप क्या कर रहे हैं, सैलरीज कितनी है, 18,000 एंड 12,000, दोनों को ऐड अप करूंगी, 30,000 सैलरी गई। अब 30 + 15 = 45,000, तो इट्स मीन यहाँ कोई प्रॉफिट रिमेनिंग है ही नहीं, पूरे के पूरे 45,000 हमने ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। हाँ, यहाँ पे ये होता है कि अभी मैं सैलरीज और इंटरेस्ट को 40 पे एडजस्ट करती तो जो 5,000 बचा था उसको डिस्ट्रीब्यूट करती 2,500 एंड 2,500, लेकिन यहाँ पे पूरे का पूरा 45,000 मेरा डिस्ट्रीब्यूट हो गया अमंग द पार्टनर्स। तो समरी क्या थी, मेरी सेम समरी थी। समरी के बाद हम एंट्रीज को अच्छे से देखेंगे, अभी मैंने दोनों की आपको समरीज बताई हैं। फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप मेरा सेम है, लॉस होगा तो लॉस लिखूंगी, प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट लिखूंगी। कैपिटल बैलेंसेस को देखिए, दोनों के कैपिटल बैलेंसेस को सेम स्टेप है, अंडरलाइन करके मैंने टोटल किया एंड देन प्रॉफिट लिखा। अब यहाँ पे जो भी केसेस थे, तो यहाँ पे इंटरेस्ट की बात हो रही थी और यहाँ पे सैलरी की बात हो रही थी, तो स्टूडेंट्स मैंने क्या करा, इंटरेस्ट डिस्ट्रीब्यूट करा और उसको ऐड कर दिया। उसके बाद सैलरीज दोनों में, हो सकता है सैलरी एक को मिल रही हो, एक ही बंदा एडिशनल वर्क कर रहा हो, तो देयर इज नो नीड, मतलब नेसेसरी नहीं है कि दोनों को सैलरीज मिले या दोनों को बोनस मिले या दोनों को कमीशंस मिले। तो माइट भी बहुत सारे केसेस ऐसे आएंगे जिसमें एक को सैलरी मिलेगी, तो आप एक की तरफ डैश डाल दीजिएगा जिसको ना मिले, लेकिन यहाँ पे दोनों सैलरीज ले रहे थे तो दोनों की सैलरीज को मैंने ऐड करा 30,000 और मैंने टोटल करके 45 की स्टेटमेंट यहाँ पे एक पूरी, यहाँ पे प्रॉफिट एंड डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे मैंने कर दिया प्रॉफिट की। तो स्टेटमेंट तो आई होप आपकी क्लियर हो गई होगी। अब हम लोग इसके रिकॉर्ड करते हैं एंट्रीज। देखो, एंट्रीज का एक बार कॉन्सेप्ट अच्छे से देख लेना, फिर जो भी चीज़ है आपको सेम करना है। अब हम जाते हैं केस वन की एंट्री देखने, जिसमें हमने ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट के ऊपर यानी 3:2 के रेशो पे डिस्ट्रीब्यूट करा था प्रॉफिट। लाइक देखिए, अब एंट्रीज क्या थी, अब सबसे पहले देखिएगा, हमने यहाँ पे जर्नल एंट्रीज का फॉर्मेट बनाया, डेट पर्टिकुलर, पीआर एंड डेबिट एंड क्रेडिट। देखो, बासित करंट अकाउंट डेबिट करा एंड अहमर करंट अकाउंट डेबिट करा, दोनों के करंट अकाउंट मैंने यहाँ पे डेबिट करे और मैंने क्रेडिट करा दोनों के अकाउंट्स। अब स्टूडेंट्स, इन अकाउंट करंट अकाउंट क्या होते हैं, देखिए अभी क्या होगा, एक कैपिटल होता है, एक करंट अकाउंट होता है, दोनों का डिफरेंस देखिएगा। आपको जब प्रॉफिट मिलता है कंपनी में तो आप क्या करते हैं, उसको अपने करंट अकाउंट में डेबिट, उसको अपने करंट अकाउंट में पहले क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पे करंट अकाउंट मैंने जनरेट कर दिया यानी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब उसको डेफिनेटली करंट अकाउंट को क्लोज किस में करेंगे, कैपिटल्स में,
यानी जो प्रॉफिट था वो उन पार्टनर्स के कैपिटल में क्लोज करेंगे। तो देखिएगा ये आपकी क्लोजिंग हो गई, टू क्लोज द करंट अकाउंट इनटू द कैपिटल अकाउंट। सिंपल, कैपिटल करंट अकाउंट को मैंने क्या करना है, करंट अकाउंट को मैंने डेबिट किया क्योंकि अभी मैंने जनरेट किया था क्रेडिट में एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी के साथ। अब दोनों के करंट अकाउंट दो होंगे तो दो, तीन होंगे पार्टनर तो तीन, चार होंगे तो चार, जो भी पार्टनर्स होंगे उनके करंट अकाउंट को मैंने यहाँ पे क्या करूँगी, डेबिट करूँगी और उनके अकाउंट यानी जो कैपिटल्स थे उनको क्रेडिट कर दूँगी सेम अमाउंट्स। तो सिंपल ये आपकी एंट्रीज होंगी, ये आपकी पहले आप उस करंट अकाउंट को जनरेट करोगे, फिर उसको क्लोज किस में करोगे, कैपिटल अकाउंट में। गुड, क्लोज किस में करना है, कैपिटल अकाउंट में। इसको अच्छे से याद कर लें आप लोग, बार बार इसलिए बता रही हूँ क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो स्टूडेंट पहली एंट्री क्या जनरेट करनी है, आपने ये जनरेट करनी है एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी डेबिट, और दोनों या तीनों जितने भी पार्टनर्स हैं उनके करंट अकाउंट को मुझे क्रेडिट करना है। गुड, अब मुझे इनको क्लोज कैसे करना है, गुड, कैपिटल अकाउंट में मुझे क्या करना है स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्लोज करना है। तो दोनों के या जितने भी पार्टनर्स हैं उनको डेबिट करूंगी करंट अकाउंट। करंट अकाउंट बार बार मैं करंट अकाउंट इसलिए कह रही हूँ, देखिए कैपिटल या अकाउंट्स जब भी क्लोज होता है तो कैपिटल अगर कभी भी क्लोज होगा तो वो डेबिट में क्लोज होगा, एसेट्स कभी भी क्लोज होगा तो वो क्रेडिट में क्लोज होगा, यानी वो अपने अगेंस्ट नेचर पे, एसेट नेचर डेबिट, तो वो अपने अगेंस्ट नेचर में क्लोज होगा। तो यहाँ पे मैंने करंट अकाउंट को क्लोज किस में करा है, कैपिटल अकाउंट्स में। अब उसके बाद टी अकाउंट्स है, देखिए टी अकाउंट्स भी हमारी रिक्वायरमेंट है, उसको देखते हैं। यहाँ पे मैंने आपको एंट्रीज बता दी, सेम दोनों केसेस में यही एंट्री बनेगी। किस तरह से एंट्री बनेगी, एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी और करंट अकाउंट। अब इनका टी अकाउंट कैसे बनेगा, बासित का टी अकाउंट कैपिटल देखिएगा। अब बासित का कैपिटल कितना था, बासित का कैपिटल था 90,000, मजीद उसको 27,000 एज अ प्रॉफिट मिला यानी करंट अकाउंट जो क्लोज हुआ है। तो दोनों को मैंने ऐड करा तो 1,17,000 आया, दोनों जगह पे 1,17,000 लिखा और डेबिट साइड पे कुछ नहीं था तो टोटल पूरा बैलेंस चला गया। आपको पता है डेबिट साइड पे जो भी कैरी फॉरवर्ड अमाउंट होता है वो पूरा चला जाता है। तो सेम मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने टी अकाउंट, अगर टी अकाउंट रिक्वायरमेंट में होगा, यहाँ पे मैंने आपको जर्नल एंट्रीज भी सिखाई, इनकम समरी भी सिखाई और मैं इस क्वेश्चन के अंदर आपको टी अकाउंट भी सिखा रही हूँ। अगर वो रिक्वायर्ड में बोले तो आपने देना है स्टूडेंट्स, अदरवाइज वो ज़्यादातर टी अकाउंट्स नहीं मांगता तो आपको नीड नहीं है उस टी अकाउंट्स को बताने की। लेकिन अगर वो बोले कि अकाउंट बैलेंस करो या टी अकाउंट बनाओ तो आप कैसे बनाओगे, जो भी पार्टनर है उसका नाम लिखोगे टॉप पे, टी अकाउंट का फॉर्मेट आपको पता है वो बनाओगे और बैलेंस यानी जो उसका इनिशियल कैपिटल था वो क्रेडिट साइड पे, देखो मैंने 90,000 लिखा और जो अभी उसने डिस्ट्रीब्यूट करा है प्रॉफिट में, जो उसने अर्न करा है या जो भी उसका शेयरिंग अमाउंट आया है वो अमाउंट आपने यहाँ पे जो कैपिटल क्लोज किया था वो यहाँ पे लिख दिया। दोनों को ऐड करा तो आपने यहाँ पे सीडी अमाउंट लिख दिया, डेबिट साइड पे कुछ नहीं था, ये बैलेंस करके लिख दिया। सेम हमें एमर का भी ऐसी करना है, एमर लेकर आया था 60,000 और उसका यहाँ पे कैपिटल उसको मजीद उसका अमाउंट कितना गया, देखिए एमर लेकर आया था 60,000 और उसको प्रॉफिट शेयरिंग में कितना मिला 18,000, तो दोनों को ऐड करा तो 78,000 अब एमर का अकाउंट हो गया टोटल। तो हमने यहाँ पे देखे 78,000 लिखा और प्लस यहाँ पे बैलेंसेस लिख दिए, 78 का जो बैलेंस आ रहा था वो लिख दिया। अब सेकेंड केस देखेंगे, अच्छा अगर वो करंट अकाउंट आपसे मांगेगा तो आप देंगे, अदरवाइज नहीं देंगे। अब इसका भी सेम यही बनेगा, एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी डेबिट और आपने दोनों का, ये सेकंड केस है, एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी डेबिट 45 से और 27 एंड 18 से जो उसको डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, और सेम इसका यही होगा। सो स्टूडेंट यहाँ पे आपने क्या करना है, देखिए तीन चार चीज़ों का आपने बहुत ख्याल रखना है जो मैं आपको बार बार मैं फोकस करके इसलिए बता रही हूँ कि स्टूडेंट्स यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं और करंट और कैपिटल अकाउंट के एंट्रीज को मिक्सअप कर देते हैं। तो देखिए सबसे पहले इनकम समरी आपको अच्छे से याद हो गई होगी, इनकम समरी में आपने क्या करना है, टॉप पे कैपिटल लिखा, फिर उसके बाद जो प्रॉफिट था वो लिखा और जो भी केसेस आ रहे थे उसके अकॉर्डिंगली आपने प्रॉफिट शेयर कर दिया, और सेम आपने जो अमाउंट प्रॉफिट शेयरिंग का था उस शेयरिंग अमाउंट से आपने दोनों के पहले करंट अकाउंट जनरेट किए, उसके बाद करंट अकाउंट को क्लोज किस में किया, कैपिटल में। सेम आपने इस तरह टी अकाउंट बनाया उसका। सो आई होप स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो रहा होगा,
और कोई कन्फ्यूजन नहीं हो रही होगी। बस ये प्रॉफिट एंड लॉस में आपको क्या करेगा, वो डिफरेंट सिनेरियो आपको देगा और कन्फ्यूज़ करने के लिए हो सकता है कभी कमीशन डाल दे, हो सकता है एक को सैलरी दे दे, इस तरह वो आपके क्वेश्चन को क्या करेगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बनाएगा। यानी कॉम्प्लिकेटेड अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो वो कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा, लेकिन स्टूडेंट क्या करता है अगर एक को भी सैलरी मिली है तो वो कन्फ्यूज़ हो जाता है। सो इंटर के स्टूडेंट्स आप लोग रेडी हो जाएँ, ये क्वेश्चन तो आपको पूरे मार्क्स दिलाने मतलब आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे अगर आप इस वीडियो को देखने के बाद अच्छे से उसको एक बार एक दो एग्जांपल को सॉल्व कर। आई होप स्टूडेंट अभी हमने जो भी चीज़ें डिस्कस की लाइक कैपिटल और करंट अकाउंट की कन्फ्यूजन आपकी दूर हो गई होगी, प्लस इनकम और प्रॉफिट समरी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। देखो आपका अगर ये बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना तो अब वो जो भी आपको इसमें रिक्वायरमेंट दे देगा आप बहुत ईजिली कर लोगे उसको। सो स्टूडेंट इस वीडियो को देखने के बाद आप पास पेपर से एटलीस्ट 2 or 3 क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा। ये इंटरमीडिएट के वो स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक तैयारी नहीं की वो इस वीडियो को देखें, 2-3 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें, इसमें 100% आपको मार्क्स ईजिली आप इसमें हासिल कर सकते हैं। सो स्टूडेंट इस लेक्चर को हम लोग यहीं पर वाइंड अप करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर और नेक्स्ट वीडियो के साथ। सो जब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, थैंक यू।